इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर करुणाकांत मौर्य ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बसपा सुप्रीमो को अपनी सफाई में दिया बयान। कहा कि मेरा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, भविष्य में मैं पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करता रहूंगा। बसपा सर्व समाज की पार्टी है, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्हें दूरभाष से सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में ज्वाइन करने की घोषणा की गयी है। ये पूरी तरह से गलत है और निराधार है। बसपा में सभी समाज का हित सुरक्षित है, ये मेरी और पार्टी की बढ़ती छवि को खराब करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई गई है। मेरा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम करुणाकांत मौर्य है, पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर बीएसपी, वाराणसी खंड स्नातक से एमएलसी का चुनाव लड़ा हूँ। और आज जैसे कि सूचना मिली है लोगों के माध्यम से कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की खबर मिली थी, और यहाँ पे मैं बहुजन समाज पार्टी की मंडली मीटिंग थी, उसमें मैं उपस्थित था। उस मीटिंग के दौरान ही टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली कि ऐसी खबरें आ रही हैं। तो मीटिंग में हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, सारे साथी उपस्थित थे। तो समाजवादी पार्टी बीएसपी के जनाधार, बढ़ते हुए जनाधार को देख करके घबरा रही है, और प्रदेश के सारे लोग इस बात से चिंतित हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में झूठे रूप से कि हमारा कारवां बढ़ रहा है, उसमें लोगों का नाम शामिल करके अनाउंस किया जा रहा है लखनऊ में, जबकि मैं आजमगढ़ में उपस्थित हूँ। मेरा नाम भी उसी क्रम में लखनऊ में, जैसा कि लोग बताए कि मीटिंग के दौरान लिया गया, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।